वो भी आया क्या सुनो, अगर इसको लगातार लोगे ना शिलाजीत को, तो एक उतने बवासीर तुम्हें वो नहीं होगी, तुम्हें होगी खूनी बवासीर। ओ भाई, ये कौन से हिलाने वाली बात चल रही है? लेते भी रहना चाहिए। ओ भाई, तुम्हें कौन सा आनंद चाहिए, तुम ये बताओ, तुम कौन सा आनंद की बात? अरे करो तो सही, टेस्ट तो करो। हाँ हाँ, सुन के दे। ठंडा होता, ठंडा। आँख में लगाया क्या, जलन हुई है? अरे भाई, सीधा दिमाग पे अटैक करा यार। नाक खुला बना था। अरे पैर की मसाज कर रहे हैं, दिमाग खोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सही है ये, जिस नाक को बंद सर्दियों में, एक बूंद हल्का सा। अरे हाथ हटाओ तुम, थोड़ा जमने पड़ता है ना, इसमें नहीं था, थोड़ा ऐसा करना पड़ता है ना, इसमें ऐसा लग रहा मिर्ची वगैरह टाइप का हो ना, ना थोड़ा कुछ नहीं था। अरे रुको तो सही, अपने आप करूंगा, हाथ धो के ऐसा नहीं लगा, मिर्ची लगी भाई साहब दोनों नाक में, ऐसा लगा मिर्ची घुस गई। साले मोमोस वाली चटनी है। अबे इसमें लसन, अरे लसन वगैरह गिरा है, लसन गिरा है इसमें, लसन गिरा है। ओ भाई साहब, दूध में लेके रहने से भी तो सही रहता है ना, पानी वाला, लेकिन सोने से पहले तो लेना रात को। अबे इसमें लहसुन वगैरह डाले हो क्या? उसमें बाहर का ना जितना 20% का जड़ी बूटी कूट गया ना, उसे तेल निकाला हो ना। अरे जैसे हम साला नारियल का तेल निकालते हैं ना, बिल्कुल ऐसी है ये। अभी नहीं लगेगा, हल्का सा दबा। नाक तो पास लेके जा, ऐसा लगे जैसे लहसुन और मिर्ची घुस गई है नाक में। रगड़ इसको, हाथ से रगड़। अब ऐसा सूंग, सूंग सूंग, वो भी आया। अबे ऐसा तो नहीं है कि भाई सबको सुंगा के बेहोश कर दिया, सबके मोबाइल और पैसे गए। हींग दिखाना, जैसे होता ना बाबू जी, करता है। अरे ये समझ ले कि ये जो ये तुम बोतल दिए थे, ये दम बनाने के लिए एक तरीके का। क्या नाम है? मटर के दाने, मटर के दाने बताओ, मटर के दाने खाओ ना, एक फ्रिज में डालो, पूरे हड्डी जैसा होता है, गर्मी में रखो, पूरे खा जाता है। देश का अंडा ये लगा ना, रबर फ्रिज में रखो, थोड़ा थोड़ा मटर के दाने खाओ, एक महीने के है ना जैसा, ये ठंडा के महीने में बहुत बढ़िया रहता है। कितना दिन खाए? दो महीना खाओ, एक महीना छोड़ दो, एक महीने का पूरा रेस्ट, पूरा रेस्ट। नहीं तो पता क्या होती है, मैं क्या लेते भी रहना चाहिए वो भाई, तुम्हें कौन सा आनंद चाहिए, तुम ये बताओ, तुम कौन सा आनंद की बात कर रहे हो? वो पता क्या, सुनो अगर इसको लगातार लोगे ना शिलाजीत को, तो एक उतने बवासीर तुम्हें वो नहीं होगी, तुम्हें होगी खूनी बवासीर। ये हींग है? अरे यहाँ पे ये हींग ना, घूमते ही पता चल जाता है, मोहल्ला हिल जाता है। ऐसा लगा जैसे नॉनवेज हो, कच्चा चिकन।
देखो कच्चा चिकन लग रहा है बिल्कुल अंदर। पाकिस्तान का सामान नहीं चाहिए अपने को, वो हमारा साला खाएंगे, वो हमारा खाते भी है, वो आलम भाई मेरे व्यूअर्स पाकिस्तानी भी है, ध्यान से बोलना। बहुत बढ़िया इंग्लिश है ना, ऐसा इंग्लिश भी नहीं मिलेगा, खुद भी तो बहुत बढ़िया दूध का दूध होता है, ऐसे हिला दो, ऐसे निकाल दो, ऐसे हिला दो, ऐसे जाएगा ना, ऐसे नहीं है। ओ भाई ये कौन से हिलाने वाली बात चल रही है? एक कोला ले जाओ, अंदर एक लीटर पानी कर लो, इसको हिला दो ना, दूध निकल जाए ना, दूध आएंगे, उसको दूध पानी और खाने में डालो ना, दाल सब्जी में डालो, बड़ी बात है। मतलब इसको एक लीटर पानी में डाल दो, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा डालते रहो, हिला दोगे ना वाइट हो जाएगा। ऐसा हो रहा है ना, एक लीटर पानी में एक तोला डालो, मतलब तोला ना एक जैसे होता है ना, एक तोला में हो जाएगा लगभग, तेल की तरफ डालो ना। अच्छा, तेल होता है ना, हाँ हाँ, उसके जल्दी पकाता है, जैसे खुशबू बनाता है, मीट में डालो, मीट में डालो। आलम भाई क्या सोच रहे हो? अरे भाई साहब लोग डालते नहीं, तो हींग बहुत बढ़िया रहता है, भाई कड़वी है, मीठी का मतलब है कि इसमें शुगर और गुड़ का मिक्सअप हुआ है, लेकिन तभी मैंने तुम्हें चेक करवाया कि मीठी है कि नहीं है। अच्छा सुनो, जैसे जैसे मैं ऐसी बना के डालता हूँ वायरल करूंगा तुम्हें, भैया बंद करो, तुम खुद बोले मेरे को, पहले बात तो करने दो यार। बंद है ना? ना बंद नहीं है, बंद है, आप दिन में उद्घाटन करते रहते, बंद है, बंद है, रुका हुआ है, चालू कर दिए, रुका हुआ भाई, रुका हुआ है वो, चल चल तुम जाओ, तुम चल जाओ, तुम जाओ, दो मिनट के लिए मार जाओ, तुम सारे जाओ, तीनों जाओ, दिनों से तू भी जाओ, मैं सुना देगी तेरे को, जाओगे तुम लोग, ये बताओ जैसे बीबी नहीं है, बीबी नहीं है यहाँ, और अभी ले लूँ आतंक ना मत जाए इसको खाने से, मेरी बात शिलाजीत है, मेरी बात, पूरे दिन मेहनत करते हो, काम करते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये एक एनर्जी का काम करती है, ताकत, अब मान रिवाइटल गोली होती है, आदमी थक जाता है तो रिवाइटल की क्यों ऐड आती है कि भाई बॉडी है ना 30 के बाद है ना, बॉडी में एक तो खाना खाते तो वो फैट ज्यादा बनता है, एनर्जी कम बनती है, मसल कम बनता है, तो अपने आप ही शरीर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तो वो जो वीकनेस होती है ना उस कमजोरी को खत्म भी करता है ये, जरूरी नहीं कि शिलाजीत सिर्फ एक सेक्स पावर के लिए, नहीं वो ताकत के लिए भी है, अगर आप जिम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, या आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप उसको लो तो शरीर में अंदरूनी ताकत देता है। आप पानी खाओ तो पानी में कितने कैल्शियम बढ़ाता है ना, ये तो जड़ी बूटी मिक्सर है, आप इतने एक लीटर पानी कम करो तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो बनता है, ये तो एक प्रकार का दवाई है ना, दवाई तो सब कुछ में एक दिन में तो काम आ जाएगा ना, दवाई मैं कह रहा हूँ जैसे हमारी बीबी नहीं है यहाँ, उसका लिए तो बट ऐसा ना हो तो खाते ही हमको कहाँ जाना पड़े, क्या होता है बताओ, नेपाल में रह के दिल्ली में आके चूतिया बनाते हैं लोग, है ना, तो कमाने देना, क्यों टेंशन ले रहा, 100-200 रुपए में तू कौन सा बेकार हो गया भाई, तुम भी मत ना, बाकी तुम भेजो पूरे दिल्ली में भेजो, लूट ले जाओ, उठते क्या लेंगे, दिल्ली का सबसे बड़ा ये शौक है, सब आलू देता है मेरा, नहीं मेरे पास अच्छी कम से कम 100 ग्राम, आप जाओ ओरिजिनल वाली काठमांडू में जाओ, तो ला दे, दिखा लाके, नहीं उसको इसी वक्त लाके दिखा दे, वो दिखा, साले हमें भी बेचेगा तू, नहीं तो फ्री में दूंगा, कभी दिखा तो दे, नहीं तू तू हमारी बसई में रह गया तू हमें भी बेचेगा तू, है ये क्या है, ये दिन आगे बेटा बसई में रह के काम करना है, हाँ ये वाली भी थी, वो जो लड़का था वो ये भी दे रहा था, ये लाल कलर की लोकल है यार ये, चल तू इसको लोकल साबित कर, एकदम ब्लैक होती है वो, ये तेरी वो ब्लैक वाली वो देख, वो रही शिलाजीत, आप जैसे तो भी बनेगा, ये है शिलाजीत, बता तू इसको नकली साबित करके दिखा कैसी है, मेरे पास पड़ी है देख, मैं तुम दिखा, अरे तू इसको तो बता यार, तेरे को पता तो है, ये भी तो देखे, अच्छा लड़की है, हाँ ले आ, ले आ, ले आ, जा भाई उसको ले जा, ये ले, तेरा कमरा भी तो यही है, मुझे नहीं पता कहाँ रखी भाई, ये क्या है, वो बेचेगा, वो बेचेगा राजस्थान जाएंगे, और आप दूसरा दे, नहीं मुझे मत दिखाओ, ये क्या है, इसकी खुशबू सुन,
बच गया बंदा, तू तो स्ट्रॉन्ग है, मर जाएगा। अबे तू बच गया और तू भी बच गया, नहीं तो अबे तू तिहाड़ पहुंच जाता। मैं तो रखा दोनों घर पे, मैं वहां से लाया था ना। हैं? अबे तुम्हारी मार्केटिंग करके मेरे को तो तुमसे कमीशन लेना चाहिए, तुम्हारा माल बिकवा दिया। अब बात अच्छा लगता है। हींग है के? ये वो हींग तो रखा है, दे गेरा हींग। ये क्या है, ये क्या है? तुम कौन से लोगे, पलंग तोड़ लोगे या नॉर्मल से लाजीत लोगे? हाँ ध्यान रखना, तुम्हें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, कश्मीर, नेपाल, ये तुम्हारा सिलीगुड़ी, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कहीं नहीं छोड़ेंगे। ओके, डेढ़ लाख से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स मेरे कम से कम 50-60 लाख हैं, और बेकोगे तो माल बढ़िया बिकेगा, लोग खरीदेंगे। हाँ, और जो चीटिंग वाला दोगे तो फिर पकड़े जाओगे, फिर मार्केटिंग एक भी नहीं करोगे। लोग बन गया तुम्हारा, ले ले अब कहाँ लूंगा, लोग पहले बंद तो हो। नहीं तो अभी बोल तो दिए कि बंद होने के बाद मैं खरीद लूंगा। इनकी बीबी भी देखती है गांव में, है इनकी बीबी को खबर रहती है रोज क्या करते हैं ये सुबह से शाम तक। दो दो कैमरा लगा है ऊपर, वो देखो ऊपर, एक वो रहा, एक ये रहा ऊपर देखो। नहीं नहीं, इनको देखती है यार, तुम्हारे को नहीं। मैं जाके अमरनाथ जाता हूँ ना, तो अमरनाथ में भी 150 रुपए का देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गांठ देते हैं, वो भी देते हैं। मैं वहां से लेके आता हूँ, एक बारी तो पापा ने 2017 में लेने को मना कर दिया। वो भाई उनकी दिमाग में, वो पुराने लोग हैं, उनके दिमाग में ये मिथ है, जबकि ये अगर साइंस के तरीके से देखो तो एक मेडिकली ट्रीटमेंट भी है ये। अगर उस टाइम पर मैं जिम भी करता था 2019 से पहले, तो शरीर को ताकत चाहिए, मैं सप्लीमेंट वगैरह कुछ लेता नहीं। ये एक सही ये देसी सप्लीमेंट है। मेन क्या होता है, वजन उठाने के लिए आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। वजन उठाने की शक्ति कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। फिर तुमने वजन उठा लिया, उसके बाद तुम्हारा शरीर डाउन हो गया, कमजोरी आई, उस कमजोरी को रिकवर कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि एक वो दिमाग में पट्टा बैठा लेते हिंदुस्तानी लोग है साले बहमी वाले। बच्चे करने है ना आलम भाई, बच्चे करने है ना, हर साल एक डिलीवरी या कानून लगने वाला, बच्चे दो ही अच्छे। अभी लगा तो नहीं ना, भैया ने तो डायरी तैयार कर ली सारी की सारी, एंट्री करेंगे आपकी। मेरे डेली की एंट्री हो जाए करेगी। अपना पे खुराक बना के दिया ना आपने हाथों से। अरे नहीं यार, मेरी लॉड ही नहीं अभी शादी नहीं हुई उनकी। नहीं शादी हो गई, 15 साल हो गए, देखो जवानी अभी भी बरकरार है, दाढ़ी की चिट्ठी काली है। 21 साल का है यार, वहाँ पहाड़ों में हो जाती है जल्दी शादी हो जाती है, वहाँ राजस्थान में देख लो, हरियाणा देख लो, यूपी में देखो, पहाड़ों में देखो जल्दी शादी हो जाती है वहाँ पर। हाँ यूपी, अबे यूपी में भी शादी जल्दी होती है, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, एमपी में होती है, महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र में पता क्या होता है, पंजाब में नहीं हरियाणा में हो जाती है, फिर भी ठेठ गांव में हो जाते हैं कई जगह, लेकिन ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली यूपी और राजस्थान। पंजाब में साल 30-35 मरा 24-25 साल से पहले तो कोई होती नहीं किसी की क्यों। हाँ हरियाणा का नहीं, लेकिन यूपी में हो जाती है या राजस्थान में हो जाती है।
वहाँ तो बाल विवाह भी हो जाता साले, तो पता ही नहीं चलता बंदा बंदी गए कहाँ गएगा।